अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का दिन बहुत ख़ास है, आज 14 अगस्त है और आज के दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली, मुसलमानों को आज़ादी मिली। तो आज का दिन तो बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। तो हमने भी सोचा है कि घर में बैठने की बजाय बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि 14 अगस्त को लोग कैसे मनाते हैं। अच्छा, आज़ादी का दिन है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि बाजे का क्या ताल्लुक है, बाजे का आज़ादी से क्या ताल्लुक है, ये बिल्कुल समझ नहीं आती है। ये कौन सी, हम अपनी आज़ादी का कायदे आज़म ने कहाँ कहा था कि आज़ादी मनाते वक्त अपने बाजे ज़रूर बजाना। तो ऐसे भी आज़ादी को मनाया जा सकता है लोगों को डिस्टर्ब किए बगैर। चलें, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो जी, यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ, जो ना सिर्फ अपने मज़ेदार खानों की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी बिल्डिंग की वजह से भी, जहाँ के लाहौर की पुरानी सकाफत और रवायात को ज़िंदा रखा गया है। इस रेस्टोरेंट की यही ख़ास बात है कि यहाँ सब कुछ ओरिजिनल है, कुछ फेक नहीं लगता। लाहौर की पुरानी रवायात और जो पुराने लाहौर की बिल्डिंग्स जिस तरह की होती थी, वैसा ही इसको रखा गया है। थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की गई हैं लेकिन ज़्यादातर अंदर का माहौल बिल्कुल पुराने किलों जैसा और पुरानी हवेलियों जैसा है। खाना भी बहुत मज़े का था, खूब जमकर खाया, भूख भी लगी हुई थी। हवेली के रूफ टॉप से बादशाही मस्जिद का नज़ारा बहुत ही हसीन लग रहा था। 14 अगस्त की वजह से बहुत रश था। यही तो बात है लाहौरियों की कि वो कोई भी त्यौहार को मनाने का मौका नहीं छोड़ते। उसके बाद हम जुनून रेस्टोरेंट गए और फिर यहाँ भी मुझे देख के बहुत ही हैरानगी हुई कि इस बिल्डिंग को भी पहले जैसा ही रखा गया है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है जुनून हेरिटेज में। यहाँ भी हमने डिज़र्ट को एंजॉय किया, गुलाब जामुन खाने के बाद फिर एक कड़क चाय तो बनती थी जो हमने फिर पी और बहुत एंजॉय किया इस दिन को, 14 अगस्त को। और फिर आधे से ज़्यादा दिन घूमने फिरने के बाद घर वापसी का फैसला किया। तो जनाब, आज का आधा दिन, आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। लंच किया अपने फेवरेट रेस्टोरेंट हवेली में, जुनून भी गए, घूमे फिरे, अब थक गए, घर गए और फ्रेश वगैरह हुए हैं। तो दोबारा अब निकले हैं मूवी देखने के लिए। तो मैड मूवी है, कोई नई आई है, बच्चों ने कहा वो देखते हैं, तो हम चलो ठीक है वो देखते हैं जाके। तो चलिए फिर चलते हैं और फिर हम उसके बाद फिर डिनर पे भी जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। तो चलिए। तो फिर सबवे पहुंचे अपना फेवरेट सैंडविच खाने के लिए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो सबवे सैंडविच से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।